हेलो फ्रेंड्स, वीडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 18 फरवरी दिन शुक्रवार। आइए इस वीडियो में सुनते हैं देश विदेश के अहम व ताजा अपडेट्स। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि जम्मू के सरकारी स्कूलों में बनेंगे हैप्पीनेस जोन्स। ये स्कूल बच्चों को चिंता और तनाव से मुक्त करने में मदद करेंगे। वहीं श्रीनगर के टंगमर्ग में बोसीदा अखरोट का दरख्त काटने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए नायब तहसीलदार को ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। चलिए अब आपको मैं आज के अहम समाचारों के बारे में आगाह कर दूं। आज 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। वहीं पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली दो रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। और रूस यूक्रेन तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। चलिए अगली खबर सुनिए दोस्तों। पंजाब में वोटिंग से दो दिन पहले दिल्ली के सीमापुरी में एक घर से IED मिलने के बाद किराए पर रह रहे 3-4 नौजवान हुए फरार। वहीं श्रीनगर में पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए यके बाद दिगरे कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने कार चोरी में मुलावस दो अफराद साहिर अमीन डार और इम्तियाज अहमद डार से दो कारें और दो मोटरसाइकिल जब्त किए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पठानकोट में प्रियंका गांधी का मोदी और केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल। कहा, एक तरफ जहां मोदी बड़े मियां कहलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी छोटे मियां कहलाए जाते हैं। और नवादा में डाइन होने के शक में किसी के भी बीमार पड़ने पर लोग जिस महिला को पीटते थे, आखिरकार लोगों ने आज उस महिला को जिंदा जला दिया। भले ही उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूदा, लेकिन वो अपने आप को आग के हवाले करने से रोक नहीं पाई, हुई मौत। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रॉस मेन एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद उम्मीदवारों को एक घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। 25 और 26 फरवरी को 110 सेंटरों पर होंगे एग्जाम। इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड गुरुग्राम में निकली भर्ती, 17 मार्च तक आवेदन करने का मौका। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 156 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 25 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने चीन पर की डिजिटल स्ट्राइक, 54 मोबाइल एप्स किए बंद। चीन ने कहा कि हमारी कई कंपनियों को लगा चूना। और आज के दिन के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, आज ही के दिन दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में हुआ था बम ब्लास्ट, जिसमें 68 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, ब्राजील में मूसलाधार बारिश से 94 लोगों की हुई मौत। और बेल्जियम में आज से जारी हुआ नया कानून, आज से मुलाजिम लोग हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही करेंगे ऑफिस का काम, मिलेगी पूरे दिन की सैलरी। अंत में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला। ये मुकाबला जीतने के बाद भारत पाकिस्तान की बराबरी कर सकता है। तो दोस्तों, आज का अपडेटेड वीडियो हुआ खत्म। आप मुझे कमेंट में उस देश का नाम बताएं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से लोगों को मुफ्त मिलती है। सही जवाब देने वालों में से किसी एक को वीडियो न्यूज देता है शानदार गिफ्ट। जय हिंद।